इधर उज्जैन के थाना सेंट्रल कोतवाली क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। विवाद का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। इसके साथ ही मामूली कहा सुनी पर मारपीट की घटना हुई है। मारपीट की घटना विकास चौराहे के पास धोबी गली की बताई जा रही है, जहां पर दो समुदायों के बीच विवाद का ये वीडियो भी सामने आया है। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की है। घटना में एक पक्ष की ओर से 3 लोग तो वहीं दूसरे पक्ष की ओर से 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। मारपीट की घटना में घायलों का इलाज जिला चिकित्सालय में इस वक्त जारी है, लेकिन विवाद की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। घायलों का कहना है कि उनकी समाज की धर्मशाला पर कब्जे को लेकर मारपीट हुई है। वहीं मामले में CSP ओम प्रकाश मिश्रा का कहना है कि पुरानी रंजिश के साथ ही मामूली कहा सुनी विवाद का मुख्य कारण है। मामले में दोनों ही पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। वहीं CCTV फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। तो वो कब्जे की लड़ाई जो अक्टूबर को हुई थी 2-3 साल पहले गांधी जयंती पर, जब से वो लड़ाई अभी तक चलती आ रही है। और यहाँ से ये 12-15 जनों ने मारा है, उन्होंने गैंग बना के मारी है। अभी मैं मध्य प्रदेश शासन से ये चाहूंगा कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और इनके मकान तोड़े जाए। धोबी गली में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया है और दोनों पक्षों के बीच मतलब कोई विवाद की बहुत बड़ी वजह नहीं रही, आपस में छोटी मोटी बातों को लेके पहले भी बहसबाजी हुई थी। सागर और नीतीश ये घायल हैं। थाना कोतवाली पर दोनों पक्षों की ओर से FIR ली जा रही है। इसके अलावा अन्य विवेचना के लिए अपने आयुष नियुक्त कर दिए गए हैं।